जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जी दोस्तों, आज मैं आपके साथ आयरन आइकन प्रो में सीसी कैम या एमजी कैम ऐड करने का सेटिंग बता रहा हूँ, ऐड करने का तरीका। काफ़ी दोस्तों को मसला आ रहा है कि इसमें सीसी कैम या एमजी कैम कैसे ऐड करते हैं, तो काफ़ी मैसेज आ रहे थे दोस्तों के, तो मैंने कहा आज इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए। अच्छा, ये इसकी प्लगिंग है, ठीक है। ये प्लगिंग ऑन करेंगे, ये एक्स कैम क्लाइंट, अगर ये आपने इंस्टॉल किया तो ठीक है, नहीं किया तो ये नीला बटन दबा के रिमोट से तो इसको इंस्टॉल कर लें डाउनलोड से। ये नीला बटन डाउनलोड का दबाएंगे तो आके ये ऑप्शन आ जाएगा, ये मैं नीला बटन दबा रहा हूँ। ये दूसरे नंबर पे आ गया एक्स कैम क्लाइंट, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसको आपने ये स्टार्ट बटन रेड बटन से आपने इंस्टॉल कर लेना। जब ये सक्सेस हो जाएगा तो फिर आपने वापस एक्स कैम क्लाइंट में आ जाना है। यहाँ ये एक्स कैम क्लाइंट आ गया, अगर ये स्टार्ट होगी तो फिर ऑन होगी, अगर ओके होगी, अगर स्टॉप पे होगी, ये स्टॉप पे होगी तो फिर ओके नहीं होगी। ये मैंने ओके की, ये सीसी कैम का ऑप्शन आ गया। यहाँ एमजी कैम सीसी कैम आप ऐड कर सकते हैं, एक्टिव इसको यस कर देना। अच्छा, ये प्रोटोकॉल में आपने सीसी कैम सेलेक्ट करना, सर्वर यूआरएल डालना है, यहाँ पोर्ट डालनी है आपने, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, और उसके बाद आपने ये नीचे लिखा हुआ है प्लगिंग, If you want check plugging, press info key। आपने रिमोट से इन्फो का बटन प्रेस करना है। ये मैंने इन्फो का बटन प्रेस किया, ये सक्सेस हो गया, सक्सेस होगी। उसके बाद एग्जिट का बटन आपने दबाना है, यहाँ यस कर देना है। यहाँ यस करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। अब ये सीसी कैम या एमजी कैम जो भी आपने डाली है वो वर्किंग करने लग गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी और सब दोस्तों को समझ भी आ गई होगी कि क्या करना है, कैसे ऐड करनी है लाइन एमजी कैम सीसी कैम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और जो नए आने वाले दोस्त हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, तो अल्लाह हाफिज़।